तो ये पार्टनरशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। पार्टनरशिप तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप इतना बैलेंस चल रहे थे, दोनों लड़के कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया पाकिस्तान को और बगैर किसी विकेट के 40 के करीब हम पहुंच गए। अब इसको अवेल करना है, ग्रैब करना है हमने। अब सेट होने की, देखिए बाद में इतना मार्जिन नहीं होता क्योंकि 5 फील्डर अंदर हैं, बॉल में ना टर्न है, ना विकेट में कोई सीम है, ना स्विंग है, बाउंस भी नहीं है। अब हमने इतना टाइम नहीं लेना सेट होने के लिए कि हमें आते ही रन्स करने 6-7 ये करते रहना पड़ेगा अगर हम चाह रहे हैं कि हम 350+ जाएँ। देखिए, मैं फिर बार-बार यही कहूँगा कि प्रेशर गेम है, 250 से भी जीत सकते हैं जी। लेकिन ट्रेंड आजकल ये नहीं है जो मॉडर्न क्रिकेट ये बार-बार कमेंट्री बॉक्स से भी आवाज़ आती है, हम लोग भी बात करते हैं। प्रेशर गेम है तो रन्स का प्रेशर और बढ़ा दे, और ज़्यादा प्रेशर आएगा उन पर। जैसे हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में 340 रन इनके अगेंस्ट किए थे, प्रेशर में विकेटें दे दी थी उन्होंने। अगर देखें 300-325 रन चेजेबल बड़े इजी हैं, लेकिन प्रेशर गेम है। फिर मैं कहूँ 250, लेकिन हमारे पास मौका मिल गया है हमें, ये विकेटें हमारे हाथ में हैं। जो भी लड़का है वो इसको पेस को टूटने ना दे। आज की क्रिकेट में पेस बहुत ज़रूरी है, 6-7 रन फिर आखिरी 10 ओवर में 100 से ऊपर भी कर सकते हैं जब आपके पास विकेटें हाथ में होंगी। और 40 ओवर तक तो पावर प्ले है ही है, उसमें आपने पूरा ग्रैब करना है। हमें बड़ा स्कोर टोटल करने का सोचना चाहिए। बाकी गेम का हिस्सा है क्रिकेट में, आउट होना, अच्छे ओवर भी वो कर सकते हैं। हम उनसे बहुत अच्छी जो तवक्कुआत लोग कर रहे हैं उससे भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। हम 400 भी कर सकते हैं। क्या पता होता है कि ऐसी बैटिंग चले, कोई प्लेयर ऐसा लेके निकले कि वो 200 ही कर दे। तो ये गेम अभी चलनी है, अभी तो शुरू हुई है। लेकिन प्लान हमारा ये होना है, माइंडसेट हमारा ये होना चाहिए कि हमने बड़े स्कोर करने बगैर किसी रिस्क के। एक विकेट गिर गई है और इसके साथ ही अपने बताएं कि अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने सेंचुरी की थी लास्ट मैच में, एक अच्छा स्टार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। बहरहाल सिराज विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं, लेग बिफोर की अपील हुई और अब रिव्यू की तरफ जाते हैं या नहीं जाते ये देखना है। लेकिन नहीं रिव्यू लिया गया अब्दुल्ला शफीक की जानिब से और एक डेंट पड़ गया है। ये यूसुफ भाई, हम ये कह सकते हैं कि बस ये लास्ट बॉल थी, इसके बाद इंडिया ने बॉलिंग चेंज की तरफ जाना ही जाना था। तो ये गलत टाइम पे द्वारा विकेट गिर गई हमारी। अगर ये विकेट पे हम जरा, और आपने इस विकेट पे देखा है, आपने देखा जो हम बात कर रहे थे 2 दिन पहले शो में कि इसने बॉल को क्रॉस सीम किया। अब क्रॉस सीम से क्या हुआ कि सीम पहले लग रही थी, अच्छा आ रहा था बल्ले पे, अब पेड़ लगा है उसके ऊपर और बॉल नीचे रहा। अब इसका मतलब है कि इस पिच के ऊपर आपको ये, और मुझे लगता है पांड्या जो है ना, अगर उसने क्रॉस सीम किया यहाँ पे, उसका लंबा कादा वो ला के मारता है, वो डेंजरस हो सकता है। तो आई थिंक ये विकेट हमारे लिए साइन अच्छा नहीं है क्योंकि अब बाबर आएगा, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई थिंक वी आर couple of overs behind now. अच्छा, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि जो जैसे बॉल थोड़ा नीचे भी रहा है, ऐसी विकेटों पे कोशिश ये करना चाहिए कि फुल फेस खेलना चाहिए, इस तरफ नहीं ज़्यादा जाना। जैसे स्टार्ट अब्दुल्ला ने किया था कि फुल फेस खेले थे हम, फुल फेस जो मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान उसने शॉट खेली थी। इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा बॉल नीचे रहा है इधर। बाकी ये देखें, इधर से बोलना बहुत आसान है, उधर खेलना जो हो रहा है वो, चूंकि हम बैठे ही बोलने के लिए इसलिए बोल रहे हैं। खेल रहे होते तो हमने भी बहुत सी गलतियां की हैं, हम भी ऐसे आउट हुए। एग्जैक्टली, और बड़ा मुश्किल होता है। मगर एक जो बात हमने शुरू में की थी पिच से रिगार्डिंग द पिच, के 2 किस्म की यहाँ पे पिचेस अवेलेबल हैं। यहाँ का स्क्वायर अच्छा खासा बड़ा है अहमदाबाद का, कोई 11 शायद यहाँ पे पिचेस हैं उस स्क्वायर में, और अलग अलग पिचेस हैं जो कि ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल पे डिपेंड करती हैं, और फिर मिक्स पिचेस हैं जो दोनों सॉइल्स पे हैं। आज जो है वो ब्लैक सॉइल पे जो है वो खिला रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिख भी रहा है कि बॉल नीचे रह रहा है, ऐसा बाउंस नहीं उस पर आ रहा है। मे बी ये वाली जो चीज़ें हैं ये शायद नेट्स में तो लड़कों ने एक्सपीरियंस की होंगी, बट इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग दिस डिफरेंस ऑफ रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, या पहले लड़कों ने हमारे लड़कों ने एक्सपीरियंस किया? आई एम नॉट श्योर बिकॉज इंडिया में ये हमारा एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ है कि स्पेशली मुंबई में ये ज़रूर होता है। उनके ग्राउंड्स में भी ये था कि रेड सॉयल और ब्लैक सॉयल की पिचें होती हैं। तो आई थिंक ये आई थिंक जो प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे भी ये होता है क्योंकि आपको वह दोनों तरह की पिचें मिलेंगी। तो ये पाकिस्तान के लिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है अगर देखा जाए। प्रोफेशनल टीम हमारी है और हमारे लड़कों को अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी इसमें जो इस वक्त है ना, ये पिच के ऊपर मुझे ये लग रहा है कि अब जिस तरह पार्टनरशिप लगी थी, तो अब जिस तरह बॉल क्रॉस किया ना, तो ये मुझे थोड़ा सा लगा है कि पाकिस्तान, आई होप ड्रेसिंग रूम में बैठे बॉलर्स पाकिस्तान की ये देखेंगे कि देयर इज नो हार्म, न्यू बॉल के साथ भी आप क्रॉस सीम करके कर सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल वेरिएशन पिच की आपको फिर पता चलेगी और उसी बॉल के ऊपर नेचुरल वेरिएशन क्या हुई है, बॉल नीचे रहेगी। बिल्कुल खुशखबरी है कि फूड पांडा ने फौरी अफरीदी को खाना दे दिया है, नाश्ता दे दिया है। बिल्कुल जी, फूड पांडा क्या बात है भाई, ये तो फूड पांडा ने डिलीवरी कर दी है। तो लाला 1 विकेट डाउन, अब्दुल्ला शफीक गोइंग बैक टू द हार्ट एंड सिराज स्ट्राइक। सिराज बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे थे, हमने अभी शुरू में बात की थी कि बुमराह बहुत अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करके चल रहे थे, मगर सिराज मुसलसल उसी तरह वो अपनी मैजिक डिलीवरी की तलाश में थे, मगर फिर शायद उन्होंने सोचा नहीं मैजिक डिलीवरी नहीं हो रही, तो क्रॉस सीम करते हैं और क्रॉस सीम पे जो है वो अब्दुल्ला की विकेट हासिल की विद अ डिसेप्टिव बाउंस। लाला की आवाज लाला आपकी आवाज यहाँ पे खोलनी पड़ेगी। सवेरा जो हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं बैटिंग के अंदर, बॉलिंग भी सारा जो बॉलर्स होते हैं, जो बॉलिंग कोच होते हैं, वो बॉलर्स के साथ यही काम करके आते हैं और काई काम करना है और उस काम को अमलन ग्राउंड के अंदर करना, इसमें फर्क है। तो जब आप अमलन किसी चीज को करते हो तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। अगर ये इस प्लान के साथ आए हो कि बुमराह ने एक ही लाइन और लेंथ पे बॉल करना है, उसने वो कंटेन रखेगा एंड देन वहां से दूसरी जगह से अटैक होगा, तो ये होता है अटैक में आप रन भी दे देते हो और अटैक में जब आप जाते हो तो विकेटें आती लाजमी है। तो ये तो प्लान बहुत जरूरी। मुशी भाई ने जो इंपॉर्टेंट बात की है वो ये बात है कि जो हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर बॉलर्स बैठे हुए हैं उनका देखना, उनका खासतौर पे ग्राउंड में ना देखें, वो टीवी पे मैच देखें कि अपनी लाइन और लेंथ का उनको आइडिया हो कि किस एरिया से हमें उनको फायदा हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल शायद ये, क्योंकि हमारे जितने भी बॉलर्स होते हैं ना, हमारे खेलते हुए दौर में कोचेस तो होते नहीं थे, तो हम मैच के दरमियान में जब ऑपोजिशन बॉलिंग बॉलर कर रहे थे, जैसे मैं स्पिनर हूँ तो स्पिनर जब कोई उनका ऑपोजिशन का शेन वॉन या कोई अनिल कुंबले बॉलिंग करता था, तो मैं गौर से देखता था इस पिच पे वो कौन सी लाइन पे बॉल कर रहे हैं, कितना स्पिन हो रहा है, कौन सी पेस से बॉल कर रहा है, तो आपको बॉलिंग सेकंड करते हुए ये बड़ा एडवांटेज हो जाता था। और ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका माइंडसेट बड़ा गेम के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपको अपनी पॉलिसीज और अपने प्लान्स बनाना बड़ा आसान हो जाता है। इस विकेट से पहले रोहित शर्मा और सिराज की काफ़ी सेकंड्स कम्युनिकेशन भी हुई है, पता नहीं उन्होंने क्या बात की, और उसके बाद उसने सिराज ने रोहित शर्मा ने उन दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जो कम्युनिकेशन करने। अभी भी हमने देखा है कि जो अभी विराट कोहली गए हैं रोहित शर्मा के पास, फिर वो दोनों गए हार्दिक पांड्या के पास, ये सीनियर प्लेयर्स की कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त हम देख रहे हैं कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसके बाद फील्ड चेंज भी किया उन्होंने बाबर के लिए, फिर बाबर को शॉर्ट बॉल करवाई पांड्या ने। देखिए वो बिल्कुल कम्युनिकेट करके, ये यहाँ पे आंखों की और पास जाके कम्युनिकेशन करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आवाज कोई नहीं आनी। यहाँ पे पूछें, ये दोनों कप्तान बैठे हुए हैं, जितने भी पाकिस्तान के कप्तान हैं आप उनसे पूछिएगा कि 90% जब बड़ा मैच होता है कप्तान फ्रस्ट्रेटेड पता कब होता है, जब मैं फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहा हूं, मैं देख ही नहीं रहा, क्योंकि कई दफा कई बॉलों के ऊपर आपने फील्डिंग चेंज करनी है, अब कप्तान और बॉलर आवाजें लगा रहा, आवाज तो जा ही नहीं रही। तो अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इस मैचों के दरमियान बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को, इंडिया के जो भी खेलें, उनको ये कम्युनिकेशन करना जरूरी है कि हर बॉल के ऊपर वो कप्तान के साथ इंट्रैक्शन हो, उनका बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से मिलता हो, आंखें मिलनी चाहिए बेसिकली। और एक जो बहुत आप लोग इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं लाला, जैसे आपने और मुशी भाई ने भी ये बात की है कि हमारे बॉलर्स को बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे ज्यादा करंट एनालिसिस उनको कोई नहीं दे सकता जो कि इस वक्त सामने हो रहा है।